जी देखिए इंतहाई खूबसूरत लग रहा है। लाम है भेडू बच्चा जिन्हों कहते हैं छोटा जहा 4-5 महीने का होंगे 10-12 किलो। उसकी ये चांपे हैं पोठरियाँ जिन्हों कहते हैं और ज़बरदस्त किस्म का है चार। मैंने ब्लो सन्याओ इसको बाकी है चार तरीके का ना ब्लो संजय ब्याकवी एक्वा। तो ये मीडियम है मज़ेदार खाने का, इसमें बू भी आपको नहीं आएगी, सॉस भी इसकी बेहतरीन है। आप आर्ट देखें कि कितनी खूबसूरत सजाई है, ज़बरदस्त किस्म की चीज़ हर कोई बना लेता लेकिन इसको पेश करने का तरीका आना चाहिए। मेरे चैनल का यही मकसद है कि आपको मैं चीज़ें सिखाऊं। मैं आपका शेफ कलीम अहमद स्मूथ रेसिपी की नई मज़ेदार एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। खवातीन हज़रात, आज हम कोते लेतन, आम जुबान में वो पहले भी मैंने बना के दिया लेकिन ये लाम क्रोम है, ये बनाएंगे जी। खवातीन हज़रात, तो लाम क्रोम है, मैंने ये 4 अदद क्रोम लिए हैं लाम के। ये चांपा के अंदर थोड़ियाँ मोटियाँ कटवाई ने, थोड़ी सी ये मोटी हैं, देखें इसको मैंने मैरिनेट किया सर। ये मैंने पेपर मोल से काली मिर्च लगाई है, साथ नमक है इसके, थोड़ा सा ओलिवन ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा और थोड़ा सा लहसुन है और रोज़मेरीन, ये मैंने इसके ऊपर इस्तेमाल किया मैरिनेट अभी 5 मिनट पहले मैंने लगाया है, ठीक है। बटर में इसको मैं करूँगा, साथ ही इसकी सॉस भी बनेगी बटर और रूम के साथ। थोड़ी सी इमली डालूँगा खटाई के लिए, कलर के लिए, क्योंकि मैं उसमें आप कह लें कि अल्कोहल इस्तेमाल नहीं करता, उसका मतबादल मैंने ढूंढा हुआ है। ये भी मैंने चीज़ें सारी होटल स्कूल से सीखी थी। इसके साथ मैं जो दूंगा सर्व जैसे करूंगा, उसके साथ मैंने पनीर लिया है काज, साथ उसके फ्रेश टोमाटो है ओलिवन है काला, साथ वो सर्व होगा। उसके बाद मैंने विते लोफ उसका सलाद रखा है, ये विटामिन सी से भरपूर होता है। खातिर मैं आपको हजरात दिखाता हूँ, ये विते लोफ है, इससे पहले मैं एक अपनी वीडियो में इसको इस्तेमाल भी कर चुका हूँ। ये अंधेरी और गर्म जगह पे ये पैदा होता है, बेल्जियम या फोंगी शैम्पियन वगैरह पैदा होती हैं और भी चीज़ें उनमें ये पैदा होते हैं। ये बेल्जियम में वाफर मकदार में उगाया जाता है क्योंकि ये विटामिन से भरपूर होता है, 99% ये पानी होता है। आप इसको रखेंगे थोड़ा सा हीट पे, इसको बॉयल करने के बाद फ्राई बार में इसको थोड़ा सा फ्राई किया जाता है ताकि कलर इसका कैरामलाइजेशन इसको कहते हैं हम के करते हैं। इसका सलाद भी बनता है, सूप भी बनता है, ये बहुत मज़े की चीज़ है। यह पूरी दुनिया में मिलता है, इस्लामाबाद जाएं, लाहौर फैसलाबाद आपको ये मिलेगा। हमारे लोग नॉर्दर्न इलाके में जो रहते हैं अगर वो ट्राई करें तो वो उगा सकते हैं, इसको बहुत इजीली हो जाता है। तो शैम्पियन जैसे मैंने बताया था आपका, अच्छी तूड़ी बाल वगैरह मिक्स करें उसमें, उसको क्रश करके फेंक दें, इसी तरह इसके बीज भी ऐसे ही होते हैं, इसको क्रश करें फेंक दें ये भी हो जाता है। इसको नमी चाहिए होती थोड़ी सी हीट। तो ये मैंने दिखाना था आपको स्पेशल, ये कोई एक अहम चीज़ है, यहाँ पे तकरीबन 2 किलो मिलती है। तो मज़े की चीज़ें इस्तेमाल करें, जैसे रू कोला होता है सरसों का छोटे पौधे उसके पत्ते, उसी के मुकाबले पे ये होता है सलाद में। इसे ख़ास तौर पे वो खवातीन जिनका विटामिन सी डी और विटामिन ए की कमी हो और कैल्शियम वगैरह भी, इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल पाए जाते हैं। तो चले इसको रखते हैं, अब अगला कदम शुरू करते हैं। हमारी ये बेल्ज रेसिपी बल्कि फ्रेंच, पूरी दुनिया में इसको जैसे बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल ईजी है। साढ़े ही तो भाज भुन भुन के मर्जी का आ ईजी है। ये मैंने बटर लिया है तकरीबन 40 ग्राम, इसको फ्राई बान में मैं करूँगा, हीट अप करूँगा थोड़ा सा, जैसे इसका कलर चेंज हो गया साथ ही मैंने वो लाम क्रोम डाल दी जी। ये मैंने डाल दिया, चूल्हा इलेक्ट्रिक है वरना ये तेज़ आग पे बनता है। नाजिन ये हल्का हल्का हमारा हो गया, इसको मैं और करूँगा थोड़ा सा, जैसे ये ब्राउन होना शुरू होगा मैं इसमें लाम क्रोन डाल दूंगा। ये ना दूँ, ये देखिए सारा कुछ मैंने लहसुन इसके अंदर लाम क्रोन के अंदर डाल दिया। Thank you.
जी नाज़रीन, ये उसी के जो सॉस बची थी नीचे या फो, उसमें मैंने काली नमक मिर्च और इमली थोड़ा सा पानी ऐड किया। उसके बाद मैं रूम डालूंगा, थोड़ा सा गाढ़ा करूंगा। ये हमारे सिनियो यानी कि मीडियम चार से कम, मीडियम ही देने थे तो मैंने निकाल के रखे हैं। ये सॉस मेरी रेडी है। थोड़ा सा नमक डालना मैंने, हंसते जाएगा नमक और मिर्च नॉर्मल खुद ही इसमें होता है अपना। मार्शले अल्कोहल 40% होती है, उसको इस्तेमाल करते हैं। मार्शले फ्रांस की है तो मैंने उसकी जगह पे इमली इस्तेमाल की है। सेम वही जैक है, ज़बरदस्त किस्म का। जी नाज़रीन, ये देखें हमारा सलाद, हमने वाफर सलाद देना इसको। ये अमूदी शक्ल पे ट्राई करें कि ये लगे, फैला हुआ बिखरा हुआ अच्छा नहीं लगता। तसल्ली से आराम से ये बहनों भाइयों, लाम हमारा रेडी है। जी ये देखें, जिसे सेट करना है लाम की ये बोटियाँ। सॉस को फिर थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं दोबारा। जी नाज़रीन, ये देखें, इसमें से फिल्टर होके खुद ब खुद ये नीचे चली जाएगी जितनी चाहिए जिस मकदार में। ज़बरदस्त, ये टेक्निक आपको कोई नहीं बताएगा। खाने के लिए आपको देख ले पीता सी लिया। भाजी का तीला भी इतना ला देने। जी नाज़रीन, ये हमारा था आज का लाम क्रोम, पेट के बच्चे दी चांपा ने लाम क्रोन। सो ज़बरदस्त किस्म का, यहाँ पे इसको आप फ्रेंच फ्राइज ब्रेड स्पागेटी के साथ हम होटल पे इसको सर्व करते हैं। मायनेज़ अगर फ्रीत है पोमस जो है उसके साथ देते हैं या जो भी वो सॉस मांगे, लेकिन इसकी अपनी सॉस मज़े की है। ये नाज़रीन देखें कितना प्यारा ज़बरदस्त किस्म का, हाँ चारों तरफ से देख लें इसको, बहुत मज़े का खूबसूरत है। इसकी यहाँ पे कीमत 38 है, सिंपल इजी है। चार चांपे हैं, पनीर है इसके साथ, दूसरा उम्मीद है बनाएंगे मज़ा आएगा। जी बेलियो बहनों और भाइयों, ये मुझे उम्मीद है कि आपको लाम क्रोम ये पसंद आएंगे। बनाने का आसान तरीका मैंने हर लिहाज से आपको ये वाजे किया है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, सब्सक्राइब करें और लाल टली का बटन नपना ना भूलें ताकि फौरी तुम हर चीज़ पहुँच जाए। हर जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। आपके जवाब देने में, आपके कमेंट्स पढ़ने में मुझे मज़ा आता है। प्लीज़ दुआ में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्मूथ रेसिपी शायद आपको पता है। चलें नाज़रीन, अब ज़्यादा चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।